तुम्हें 10 लैंग्वेजेस आती है और डीएसए नहीं आता ना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। कि हम तो यार एरेस के 100 प्रॉब्लम्स करे जा रहे हैं, हम यार बाइनरी सर्च के 100 प्रॉब्लम्स करे जा रहे हैं, 15-20 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, तुम्हारे को उसमें टाइम देना पड़ेगा। कोई आईआईटी का एग्जाम थोड़ी चल रहा है कि वो कर पाएगा मैं नहीं कर पाऊंगा। जॉब्स बहुत सारी हैं, डरना नहीं है यार। तुमने इतने महीने लगाकर डीएसए इतने अच्छे से सीखा और तुम उसको अब छोड़ दोगे? हाय, माइसेल्फ पारिक हियर सर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो का फोकस होने वाला है, मैं ऐसी 5 चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमें डीएसए को लर्न करने के टाइम नहीं करनी चाहिए। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, गलतियां कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। बट क्योंकि मैंने अपने टाइम पे अमेजोन जैसी कंपनी निकाली हुई है, मैंने डीएसए की अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तो मुझे इन चीजों के बारे में अच्छे से आइडिया है जो मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इन 5 चीजों को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, तुम्हारी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और तुम्हें डीएसए में बहुत अच्छा बना देगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन चूजिंग द लैंग्वेज। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, या C++ करूं या जावा करूं या पाइथन करूं, इसी में फंसे रह जाते हैं। बट डीएसए का लैंग्वेज से तो कोई मतलब ही नहीं है। डीएसए का मतलब होता है कि तुम कितने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोच पाते हो। क्या तुम ये सोच पाते हो इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, कौन सी एल्गोरिथम लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगेगा। हमें बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन सोचना शुरू करना है। लैंग्वेज तो कोई भी चलेगी, बस एक बार ही चूज करो, उसमें फंक्शन लूप थोड़े वूप्स कॉन्सेप्ट सीखो और डीएसए में आ जाओ। डीएसए में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और तुम्हें डीएसए बहुत अच्छे से आता है, तुम्हारी बहुत ही ऑसम वैल्यू है। तुम्हें 10 लैंग्वेजेस आती है और डीएसए नहीं आता ना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को दिमाग में रखो, जल्दी से जल्दी एक लैंग्वेज चूज करो और डीएसए में आ जाओ। और ये गलती मत करना कि हम लैंग्वेज में अटके पड़े हैं, बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। अगर लैंग्वेज चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, वो देख लेना, दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, तो हमें एरेस, स्टैक्स, क्यूज ये सब पढ़ने पड़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स लाइक बाइनरी सर्च, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब पढ़ना पड़ता है। यार एक डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम पे ना बहुत ज्यादा स्टिक नहीं हो जाना है कि हम तो यार एरेस के 100 प्रॉब्लम्स करे जा रहे हैं, हम यार बाइनरी सर्च के 100 प्रॉब्लम्स करे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। एक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में एवरेज 20-25 प्रॉब्लम्स करने होते हैं और आगे बढ़ो। जब तुम एक नया डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे तो तुम्हारे प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। जब तुम ट्री सीखोगे तो तुम्हारा रिकर्जन अपने आप रिवाइज हो रहा होगा। जब तुम स्टैक्स और क्यूज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उनको इंप्लीमेंट लिंक्ड लिस्ट से करोगे तो लिंक्ड लिस्ट रिवाइज हो रहा होगा। तुम ग्राफ्स पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम स्टैक्स और क्यूज का यूज करोगे, तो ये सब ना इंटरलिंक्ड है। अब तुम एक ही में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाओगे तो भाई पूरा साल निकल जाएगा और डेटा स्ट्रक्चर होएगा ही नहीं। एक बात दिमाग में रखो, हमें 200-250 प्रॉब्लम्स करनी है, हर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज आउट 15-20 प्रॉब्लम करनी है और आगे बढ़ते रहना है ना। ये 4-5 महीने का जनरली प्रोसेस होता है, उसमें कंप्लीट कर लेना है। आगे चल के और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, जो टॉपिक वीक होंगे उनको रिवाइज करेंगे, बट आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम पे अटकना मत, बाद में रिग्रेट होगा और फिर टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो इस पे अपने को गलती नहीं करनी। तीसरी बात, तो यार हमें ना बहुत ज्यादा हरी नहीं करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे मैंने बोला 200-250 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट उसको अब अच्छे से करनी है, क्वालिटी के साथ करनी है। मतलब क्या है, इसमें एक दो चीजें हैं। तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें अच्छे से टाइम दो। ये मत सोचो मुझे तो 15-20 मिनट में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है, 15-20 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, तुम्हारे को उसमें टाइम देना पड़ेगा। दिमाग लगाओ, अप्रोचेस सोचो, यार मैंने बाइनरी सर्च सीखा हुआ है, क्या लग सकता है, क्या इसमें, क्या इसमें रिकर्जन लगा सकते हैं। थोड़ा पेन एंड पेपर यूज करो और दिमाग लगाओ, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा तुम एक ही प्रॉब्लम पे 10 घंटे दे दो, 2-3 घंटे दिए, ब्रेक दिया, फिर 1-2 घंटे और लगाए, नहीं हो रहा तो आप सोल्यूशन देखो, सीखो, बुकमार्क करो और फिर रिवीजन के लिए डाल दो कि मैं इस प्रॉब्लम को दोबारा 20 दिन बाद रिवाइज करूं। तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है और बहुत कम टाइम भी नहीं लगाना है, अच्छे से टाइम लगाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो ये नहीं अब हम आगे बढ़ गए, यार अब हमें दूसरों के सॉल्यूशन देखने हैं, वो असली लर्निंग है। जितना तुम दूसरों के सॉल्यूशन देख के सीखोगे वो तुम्हें कोई और सिखा ही नहीं सकता। तुम्हें समझ में आएगा, यार इस बंदे ने तो बहुत ही सही अप्रोच लगा दी, इसने तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी कर दिया इसको, इसने तो बहुत ही डिफरेंट से एक एल्गोरिथम से कर दिया। उससे सीखोगे, तुम्हारे को नए नए कॉन्सेप्ट्स पता लगते रहेंगे। और अगर तुम 200-250 प्रॉब्लम्स में दूसरों के सॉल्यूशन देख देख के भी अच्छे से कर लेते हो, यू हैव डन एन क्वालिटी लर्निंग, तुम्हें कोई वो 1000 प्रॉब्लम्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
200 से 250 प्रॉब्लम्स करो, अच्छे से करो, अच्छे से टाइम स्पेंड करो और जल्दीबाजी मत मचाओ। तो यार अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं कि यार देखो डीएसए के लर्निंग के टाइम ना डोंट डू कंपैरिजन विद अदर्स, कोई लेना देना नहीं है कंपैरिजन का इसमें, क्योंकि सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सबको डीएसए अच्छे से सीखना है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे दोस्त ने 4 महीने में सीख लिया और तुमने 8 महीने में सीखा, इससे फर्क पड़ता है कि किसने अच्छे से सीख लिया, कौन अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। किसी को 8 महीने लगे, किसी को 4 महीने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने 200 टू 250 प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लिए, टाइम स्पेंड करा, दूसरों का सॉल्यूशन देख देख के सीखा, तुम्हारी कितनी क्वालिटी लर्निंग है। अब कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो तुम टैकल कर लोगे, वो भी कर लेगा तो अच्छी बात है। कोई आईआईटी का एग्जाम थोड़ी चल रहा है कि वो कर पाएगा मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। जॉब्स बहुत सारी हैं, डरना नहीं है, अपने आप पे फोकस रखना है कि यार अपन ने प्लान बनाया है कि हम डेटा स्ट्रक्चर करते हैं अगले 6 महीने या 7 महीने में अच्छे से सीखने वाले हैं, टाइम स्पेंड करते हैं डेली, अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं और जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, यार तू तो यहां तक पहुंच गया मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं, दैट विल रियली डीमोटिवेट यू एंड हैम्पर योर लर्निंग, कोई फायदा नहीं होता इस चीज का। तो लर्निंग के टाइम सब छोड़ दो कि यार किसने क्या किया हुआ है, मैं करूंगा अच्छे से, मैं अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और मैं भी आगे, ये थिंकिंग रखोगे तो आगे बढ़ते चले। अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं जो शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, और वो क्या है यार, डेटा से लर्निंग के बाद ना छोड़ना नहीं है उसको, ये नहीं पॉज डाल दिया कि अब तो मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूं अब मैं डीएससी की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। यार तुमने इतने महीने लगाकर डीएससी इतने अच्छे से सीखा और तुम उसको अब छोड़ दोगे? यार डीएससी तो फ्लो की बात है ना, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग का फ्लो रखना है। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब तुमने सीख लिया तो अब तुम्हें रैंडम प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू कर देना है, हफ्ते में 5 से 6 प्रॉब्लम्स बनाते रहना है। जब वो 200 से 250 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब तुम्हें डीएसए का फ्लो मेंटेन करना है, साइड बाय साइड कुछ नई चीजें सीखो, कुछ नई स्किल सीखो, बट डीएसए को छोड़ोगे नहीं। अगर वो छोड़ दिया अगले 6 महीने बाद तुम्हें फिर से डीएसए करना पड़ जाएगा और बहुत रिग्रेट करोगे। तो फ्लो नहीं छोड़ना, कुछ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहो, कुछ टेस्ट दे दो, कुछ रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, वही तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर में मास्टर बनाएगा। तुमने जब सीखा था तो तुम गुड बने हो, बट अगर ग्रेट बनना है, ये रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करना, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, यही तुम्हें ग्रेट बनाएगा और यही तुम्हें स्टैंड आउट करवाएगा फ्रॉम अदर्स। सो डोंट एवर पॉज डीएसए, जब तक जॉब नहीं लग जाती हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है, वही हमें बहुत तगड़ा बनाएगा डीएसए में। यार इसके अलावा ना दो और छोटी बोनस टिप्स है विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल, जो मुझे लगा मैं अच्छे से बता देता हूं जिससे कि मेरे को कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। इज फर्स्ट इज यार बहुत ज्यादा ना स्विच नहीं करना है रिसोर्सेज के बीच जब हम सीख रहे हैं। सीखना ना हमेशा एक सिंगल रिसोर्स से सीखना होता है, एंड टू एंड अच्छे से पढ़ो, जिसने तुम्हें बताया वो यार ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्ड पाथ के साथ जाना है, उसको फॉलो करो और बहुत ज्यादा इधर उधर मत जाओ कि यार उससे भी पढ़ लेता हूँ, इस वाले से भी पढ़ लेता हूँ, हैम्पर होगी प्रोडक्टिविटी, कुछ नहीं सीख पाओगे। एक पकड़ो, अच्छे से सीखो, उसके बाद तुम कोई सा भी रिसोर्स करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट शुरू में लर्निंग के टाइम एक ही रिसोर्स से सीखना होता है, वो तुम्हें प्रोडक्टिव बनाता है, वो तुम्हें अच्छे से सिखाता है और हमें कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिख रही होती है। और इसके अलावा तो दूसरी बोनस टिप थी इस, यार बहुत बारी आएगा सॉल्विंग के टाइम यार नहीं हो रहा है, राइट, मेरे से प्रॉब्लम्स बन ही नहीं रहे हैं, यार गिव अप नहीं मारना है, जस्ट रिमेम्बर यार अब आ गए हैं, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनना है तो 6 महीने लगाने पड़ेंगे डीएसए पे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, चाहे देख देख के सीखेंगे, चाहे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखेंगे, चाहे थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, इधर उधर से हाथ पांव मारेंगे, बट सीख के रहेंगे। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है फॉर 6 मंथ्स, ये होगा कि हमने अपना बेस्ट दिया, हमने जितना लगा सकता था लगाया और हमने जितना सीखने की कोशिश कर सकते थे वो हमने करी, रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, ये मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 1-2 महीने करते हैं प्रॉब्लम नहीं हो रही होती तो बहुत आसान है छोड़ना, बट उसको कंप्लीट करोगे तभी तो वो बढ़िया बढ़िया पैकेजेस मिलेंगे, तभी तो एक बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तो आउटपुट बहुत बढ़िया है, तुम्हें अपने इनपुट पे ध्यान देना है, अपने एफर्ट्स अच्छे रखो और अपने आप आउटपुट बढ़िया आएगा। तो ये मैंने सारी चीजें बता दी हैं हम जो हमें डीएसए के लर्निंग के टाइम गलतियां नहीं करनी, ये गलतियां नहीं करोगे तो बहुत सॉलिड बनोगे डीएसए में, बहुत अच्छी जॉब लगेगी और बहुत मजा आएगा तुम्हें जिंदगी में। तो अगेन आई विल रिकमेंड, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना, दूसरों के भी हेल्प हो जाएगी, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।